हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग इस बात के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते और आज से ही आपको इस बात के लिए सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम जो है इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए इन्वेस्टमेंट्स करना। हम लोग इन्वेस्टमेंट्स अगर नहीं करते तो उसके लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिंदगी में फेस करनी पड़ती हैं। तो इन्वेस्टमेंट आज से ही आप लोगों को स्टार्ट करना है। इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो है इन्वेस्टमेंट का, आप एफडी कर सकते हैं, बैंक में पैसे रख के एफडी करवा सकते हैं, या फिर गोल्ड बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, इसके अलावा आप स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एकदम आपका बिल्कुल भी रिस्क कैपेटाइटिस नहीं है, तो आप एफडी और गोल्ड के साथ जा सकते हैं। आप एफडी में और या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, आप थोड़ा अच्छा और हैंडसम रिटर्न लेना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट होते हैं, उनके बारे में अगर जानकारी लेनी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देकर रखा हुआ है। आई बटन में भी मैंने वो वीडियो का लिंक देकर रखा हुआ है, वो वीडियोस को आप देख लीजिए, म्यूचुअल फंड वाली वीडियोस को। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड से एडवांस रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा और ज्यादा और हैंडसम रिटर्न लेना चाहते हैं, तो आप स्टॉक्स के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स के साथ इन्वेस्ट करके, स्टॉक में इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न जो है वो बहुत बढ़िया मिलता है, जो म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न होता है, जिसमें आप ट्रेडिंग करके भी अर्निंग करते हैं। तो उस मेथड के साथ जाना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने सीरीज का लिंक अपने आई बटन में देके रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, उनको भी आप देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड, उसके बाद स्टॉक्स। अगर आपका रिस्क कैपेटाइटिस बहुत ज्यादा है तो फिर आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिटकॉइन, एथेरियम या फिर कोई और कॉइन, जिसमें भी आप चाहें उसमें इन्वेस्टमेंट करके वहां से आप हैंडसम रिटर्न ले सकते हैं। तो ये सारे ही मेथड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए। आपके पास 1,00,000 रुपीज है, आप 25,000 जो है एफडी और गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, 25,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, 25,000 जो है आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दीजिए, 25,000 आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ये सारे मेथड्स हैं, जो सारे ही प्रोडक्ट्स हैं, इनमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करके बहुत बढ़िया अर्निंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक प्रोडक्ट को चूज करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है हमारी पूरी जिंदगी के साथ चलती है, हमारी पूरी लाइफ के साथ चलती जाती है। टाइम टू टाइम अलग अलग प्रोडक्ट्स में आप जो है इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आप हमेशा अवेयर रहिए मार्केट में क्या चल रहा है, क्या डाउन है, क्या ऊपर जा रहा है, किसमें इस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें मनी को स्विच ऑफ करना चाहिए। लेकिन एक चीज और, रेगुलर मनी को आपने स्विच ऑफ नहीं करना, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में नहीं आपने जाना, आपको टाइम टू टाइम मार्केट को स्टडी करके अकॉर्डिंगली आपको स्विच ऑफ करना होता है अपनी मनी को। तो यहाँ पर आपको हमेशा अवेयर रहना है, मनी को स्विच ऑफ करना है टाइम टू टाइम, या फिर आप लमसम अमाउंट सारे ही प्रोडक्ट्स में डाल के उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर आपको स्विच ऑफ नहीं करना, आप ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते, आप अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट पे जो है आपके पास उतना टाइम नहीं है स्टडी करने का, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, शॉर्ट वीडियोस मिलते रहेंगे, आपको किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। बेल आइकॉन का भी बटन दबा के रखिएगा ताकि आपको अपडेट्स आपके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन में दिखते रहे। तो ये सारे मेथड्स हैं इन्वेस्टमेंट के, और भी इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं, ETF वगैरह भी होते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, कंपाउंडिंग वेल्थ बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए। देखो, इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। क्यों इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, सारी जिंदगी ना हम काम करते हैं, जब भी होता है हम काम करते हैं, जब हम काम करते हैं तब हमें पैसा आता है, तब हम उस पैसे को यूज करते हैं अपने लाइफस्टाइल को जीने के लिए, अपनी घर की जो चीजें हैं, जो भी हमारे डेली रूटीन की जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए। लेकिन हम जो है इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट, अगर हम 10% या 20% अपनी अर्निंग का पार्ट इन्वेस्टमेंट में डालेंगे ना, तो हमारा जो पैसा है ना वो काम पे लग जाएगा, हमारा पैसा वर्क करने लग जाएगा हमारे लिए। हम 24/7 तो वर्क कर नहीं सकते, और जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन भी हम वर्क नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपने पैसे को भी काम पे लगाएंगे, जैसे कि हम 1,00,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं एवरी मंथ, तो हम 20,000 एवरी मंथ जो है इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम 20,000 रुपीज
अर्निंग कर रहे हैं तो हम 2000 या 4000 रुपीस एवरी मंथ हम जो है इन्वेस्टमेंट में लगाएं, तो ये अमाउंट ना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बनता जाता है अगर हम एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट होती है कंपाउंडिंग, मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बना उसके बाद वो कंपाउंडिंग उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट बना। तो इस मेथड के बारे में भी हम लोग आने वाले टाइम में वीडियो बनाएंगे, कंपाउंडिंग क्या होता है इसके बारे में हम डीप नॉलेज लेंगे, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का जो रूल है कंपाउंडिंग का ये बहुत मैजिक आपको रिटर्न देता है। तो जब आप काम नहीं करते तो आपका मनी जो है आपका जो पैसा है आपके लिए काम करता है, तो सारी जिंदगी हम काम नहीं कर सकते, हमें अपने पैसे को भी काम पे लगाना है ताकि हम एंजॉय कर सके, अपने टाइम को बढ़िया से स्पेंड कर सके, अपने लाइफस्टाइल को भी ऊपर लेके जा सके। तो पुट योर मनी ऑन वर्क, तो आपको अपनी मनी को काम पे लगाना ही होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट करने का कि हमने पैसे को काम पे लगा दिया कि पैसे से पैसा बनना शुरू हो जाए। सेकंड चीज जो आती है इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं हम अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मैं अपनी 18 साल की एज में अगर मैं ड्रीम लेता हूं कि मुझे ऑडी बाय करनी है तो मैं 25 इयर्स तक मुझे ऑडी बाय करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं स्टॉक्स में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा और 25 ईयर यानी कि 18 से 25 ईयर तक मेरे पास 7 इयर्स का टाइम है। अगर आप 20 इयर्स के हैं तो 20 to 25 ईयर यानी कि 5 ईयर या 7 ईयर का हॉरिजन लेके जाओ और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते रहो तो आपको 7 ईयर्स के अंदर आपके पास ऑडी के लिए उतना पैसा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। अगर आप वर्ल्ड वाइड घूमना चाहते हैं तो आप एक टाइम हॉरिजन लीजिए, आपकी एज 20 ईयर्स है, आप सोचिए कि मैं 5 ईयर के अंदर पूरा वर्ल्ड घूमना चाहता हूं, मैं यूरोप यूएसए कनाडा सब कंट्रीज में जाना चाहता हूं, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप बड़ा घर लेना चाहते हैं, बहुत बड़ा आपका घर होना चाहिए, ऐसा कोई ड्रीम सोच रहे हैं या अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप एक टाइम हॉरिजन और गोल ले लीजिए और उस गोल के अकॉर्डिंग उस टाइम हॉरिजन के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना है। वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा अगर आप करते जाएंगे ना तो आपका जब ड्रीम पूरा होगा उस टाइम पे आप सोचेंगे कि यार वाओ इतना बड़ा अमाउंट मेरे पास हो गया, इतना बड़ा अमाउंट हो गया, उस वक्त आपका ड्रीम जब पूरा होगा तो आपको मजा आएगा उस खुशी को पूरा करने के लिए, उस ड्रीम को एंजॉय करने के लिए। तो ये सेकंड रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने ड्रीम्स को देख रहे हैं आप चाहते हैं कोई ड्रीम अचीव करना तो इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आप लगाना शुरू कीजिए। थर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है हम जिंदगी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें अचानक से कोई ऐसी नीड आ जाती है ना कि हम लोगों के पास जाना शुरू करते हैं उस नीड को पूरा करने के लिए, हम अपने रिलेटिव्स के पास जाएंगे, हम अपने फ्रेंड्स के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि भाई ये मेरी नीड है, मुझे इस नीड को पूरा करना है, मुझे आप थोड़े से पैसे बोरो दे दीजिए, उधार दे दीजिए, मैं इतने दिन बाद लौटाऊंगा। बहुत मुश्किल होती है उस टाइम पे पैसे अरेंज करना। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया हो किसी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट में तो आपके पास वो टाइम आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट को आप यूज कर सकते हैं उस टाइम पे, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी जो नीड है ना वो पूरी करेगी। तो इस तरीके से आप सारे गोल्स को बनाइए, कुछ इन्वेस्टमेंट अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए करिए। तो आप सोचिए 1500 रुपीस जो है मैं अपने ड्रीम्स के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, 500 रुपीस मैं अपने कोई नीड आएगी उसको पूरा करने के लिए यूज करूंगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट काइंड ऑफ किसी भी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज करके उस पार्टिकुलर एसेट में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। देखिए अगर आप प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी जो एसेट बहुत अच्छा है लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपीस होने चाहिए, तब आप लमसम अमाउंट डाल सकते हैं अगर आप रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप यंग हैं या आपके पास उतना पैसा है नहीं या फिर आप जो है जॉब करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकता है, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आपकी नीड्स को पूरा कर सकता है, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आपको एंजॉय करवा सकता है वो टाइम पे, वो लाइफस्टाइल को ऊपर लेके जा सकता है जब आप काम नहीं करते, आप एंजॉय करना चाहते हैं, आप रिलैक्स लेना चाहते हैं। तो ये चीज को पूरा आप अच्छे से समझिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करना, आज ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, चाचा, बाय बाय।